नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां नुपुर शर्मा के एक बयान ने पूरे देश प्रदेश में, मैं कहूं देश प्रदेश नहीं विदेशों में भी एक हंगामा मचा के रखा है। जहां उनको जान माल का खतरा है, लोग उनको धमकी दे रहे हैं, लेकिन कुछ उनके सपोर्ट में भी है, कुछ उनके खिलाफ में भी है। लोगों का मानना है कि नुपुर शर्मा को सज़ा मिलनी चाहिए, पार्टी से तो निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट नहीं है, वो उनकी सज़ा की मांग कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ हैं जिनसे वो पूछते हैं कि उनसे क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि वो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है, उनको लगता है कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो एकदम सही कहा है। और मैं आपको ले चलती पूछती से, अपने परिचय के साथ बताइए पूरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहन नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है उन्होंने सत्य कहा है। हालांकि इस्लामिक जिहादी का तो कार्य ही है कि दुराचार करना, तो नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया? उन्होंने वही कहा है जो कुरान और हदीस के अंदर लिखी गई है बातें। और अगर मुसलमानों को इन आयात हैं इससे तकलीफें हैं, तो मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी कुरान और हदीस के आयात हैं उसे सार्वजनिक करें। मैं गीता रामायण और अपने वेद के जितने श्लोक हैं वो मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, और ओएसी को मैं खुल के कान खोल के कह रहा हूँ, अगर ओएसी नहीं सुधर रहा है या तो कुरान की सभी आयातों को सार्वजनिक करे या तो चुपचाप मुंह बंद कर दे। जिस दिन ओएसी लखनऊ के अंदर मिल गया उसे थप्पड़ मार के भगाऊंगा। ओएसी जैसे दुर्दांत अपराधी या इस्लामिक विचारधारा के या जो मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा के, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ऐसी विचारधारा वाले अगर दिखेंगे तो बहुत बुरा होगा। और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे नुपुर शर्मा की बात हो रही तो उनको विदेशों से भी धमकी मिल रही है दुष्कर्म की, उनकी बहन को, परिवार को जान माल का खतरा है, तो बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? विदेशों से भी उनको धमकी मिल रही है। एक चीज़ बता दूँ, हमने पहले भी कहा था कि जिस कुरान को लेकर के बहन नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ सबसे पहले अपने कुरान में सुधार लावें, हदीस में सुधार लावें। उनकी हदीस और कुरान जो है हम सबको जिहादी के, हम सबको जो है कि कहते हैं कि जिहादी हैं, काफिर हैं। अगर हिंदू काफिर हैं उनके निगाह में, तो नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं किया, और मैं नुपुर शर्मा बहन का सपोर्ट करता हूँ। और हिंदू भी हैं जो बोल रहे हैं नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो गलत है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कायर हिंदू होगा वही नुपुर शर्मा का बहन जी का विरोध करेगा। सिर्फ कायर हिंदू ही बहन जी का विरोध करेंगे, बाकी जो हिंदू होंगे, जो एक खून के होंगे, जो सनातनी होंगे, वो बहन जी का साथ देंगे। तो ये सरोज जी योगी थे जिन्होंने बताया कि वो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में, उन्होंने जो कहा है एकदम सही कहा है। और हिंदू धर्म की बात कहें तो उन्होंने कहा है जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने धर्म के लेके लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए वो नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं। साथ में ये भी बता दूं कि उनको देश और विदेशों से भी धमकी मिल रही है कि उनके परिवार के साथ और उनके साथ दुष्कर्म किया जाएगा, या बहुत ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं जो शायद हम टीवी पे भी ना बोल पाएँ। और मैं आपको बता दूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके बयान के खिलाफ हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स, आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में।